My name is Arqam Ali Khan and I am from IMCB G10 4. My name is Abdul. I am from IMCB G10 4. Our project is recycling of shopping bag with electric wire. इस वक्त दुनिया में दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक स्क्रैप, बढ़ता हुआ स्क्रैप दुनिया में, और दूसरा शॉपिंग बैग्स की पोल्यूशन. तो हमने इन दोनों को एक दूसरे की मदद से रिसाइकल करने का एक मेथड निकाला है. हम इस वक्त दुनिया में स्क्रैप को, जो कॉपर स्क्रैप है, मोटर्स से निकाला जाता है, ट्रांसफार्मर्स में निकाला जाता है, एसी कंप्रेसर से उसे मेल्ट करके रिसाइकल किया जाता है. पहले मेल्ट किया जाता है, उससे हम उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है और मनी भी रिक्वायर्ड होता है. तो जब फायर रिफाइंड हो जाता है, उसके बाद एक और प्रोसेस है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस में हमें 200 एम्पेयर्स का करंट रिक्वायर्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा है. उसके बाद जाके प्योरिटी लेवल कॉपर का 99.8% होता है. इसके बाद अमेरिका और यूरोप में तो अमूमन रिसाइकल की हुई कॉपर को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में. उसे रेडिएटर्स और मुख्तलिफ सैनिटरी के सामान में इस्तेमाल किया जाता है. तो हमने एक मेथड निकाला है जिसके ज़रिए से हम शॉपिंग बैग को इंसुलेट करेंगे कॉपर वायर के ऊपर डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से और मोटर से निकाल कर, और उसको एक मशीन बनाई है उसके अंदर से गुजारेंगे. पहले यूनिट में शॉपिंग बैग उसके ऊपर रोल होगा वायर के ऊपर, उसके बाद सेकंड यूनिट में जो है वो थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेगा वायर को. उस वायर को जब हीट प्रोवाइड होगी तो वो हल्का सा मेल्ट होगा और स्टिक हो जाएगा उसके साथ. ये आप देख सकते हैं. तो इस तरह एक इंतहाई मज़बूत वायर बन जाती है. इसकी स्टिकनेस भी आम वायर जितनी ही होती है. हम इसे मुख्तलिफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं. हम ये जब एक दफ़ा घर में वायरिंग में इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर यानी इसकी यानी रिलायबिलिटी भी उतनी ही है जितनी आम पीवीसी वायर की होती है. इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी. जैसे आमतौर पर पीवीसी वायर की एक कॉयल 2500 रुपये की है, तो हमें पॉलीथिलीन कॉपर वायर 400 रुपये की एक कॉयल पड़ेगी. इसके अलावा जब हम इस कॉपर को इस तरीके से रिसाइकल करेंगे तो हमें हमारी पोल्यूशन भी एनवायरनमेंट में कम होगी. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेल्टिंग के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इससे भी हमारी पोल्यूशन महफूज रहेगी, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम होगी. इसके अलावा शॉपिंग बैग को जब रिसाइकल किया जाएगा तो इससे भी हमारी पोल्यूशन में काफ़ी हद तक कम होगी. जैसे कि शॉपिंग बैग का एक नुकसान है, जब उसे बर्न किया जाता है उसमें से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे डाइऑक्सिन कहते हैं, और जो कैंसर कॉज करती है ह्यूमन में. जब उसे समंदर में फेंका जाए तो मैरीन लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह है. जैसे कि रोज़ाना इन शॉपिंग बैग की वजह से 200 डिफरेंट स्पीसीज़ जो हैं सीज़ के वो मर जाते हैं. इसके अलावा डजन्स ऑफ चिल्ड्रन जो हैं अमेरिका में सफोकेट कर जाते हैं शॉपिंग बैग की वजह से. इसके अलावा इसके कई और नुकसान हैं. इस तरह जब ये एक दफ़ा इस्तेमाल करके लोग इसे फेंक देंगे तो ये रिसाइकल होगा, इस तरह हमारे पास एक वायर प्रोड्यूस हो जाएगी.